गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट डे हमने टॉपिक किया था प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या थी? नंबर में जो डिजिट होते हैं उनकी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग? उनकी प्लेस के अकॉर्डिंग, 1, 10, 100, 1000। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज बोल रही हूँ, नंबर और डिजिट। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं? 9064, 425, 876, ये क्या है? नंबर्स हैं जो इनके अंदर आ रहे हैं। 4609, 524, 678, ये है डिजिट। तो हम वैल्यू कब लिखते हैं? किसी नंबर में डिजिट की जो प्लेस होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? देखिए, आपको मैंने एग्जांपल्स बताए हैं यहाँ। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, ये 4 डिजिट वाले हैं, 3 डिजिट वाले। 5 की फेस वैल्यू मैंने 5 ही लिखी है, 2 की 2 लिखी है, 4 की 4 लिखी है, 6 की 6, 7 की फेस वैल्यू 7, 8 की फेस वैल्यू 8। ऐसे ही 4 डिजिट वाले नंबर में 5 की 5, 4 की 4, 3 की 3, 2 की 2। और इधर एग्जांपल में देखिए, 7 की क्या लिखी है मैंने? 7 लिखी है। 6 की 6 लिखी है, 0 की 0 ही लिखी है, 9 की 9 लिखी है। इसमें जैसे मैंने प्लेस वैल्यू में प्लेस है तो वंस प्लेस में है तो वन से मल्टीप्लाई किया है, टेंस प्लेस में टेन से मल्टीप्लाई किया है, हंड्रेड प्लेस में हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया है, थाउजेंड प्लेस में तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया। लेकिन आप ये फेस वैल्यू में देख रहे होंगे, मैंने एज इट उतारा है नंबर, कोई उसका प्लेस नंबर नहीं लिखा है। तो फेस वैल्यू से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो डिजिट ऊपर है उसकी फेस वैल्यू एज इट रहती है, चेंज नहीं होती है। जो है जैसे 2 है, 2 ही है उसकी फेस वैल्यू, यहाँ पर 7 है तो 7, वंस प्लेस में 5 है तो 5। यहाँ पर प्लेस नहीं हम देखते हैं, हम खाली उसका डिजिट देखते हैं कि नंबर में कौन सा डिजिट है। अगर आपको ये नंबर दे दिया जाए, इसमें बोलेंगे 6 की फेस वैल्यू बताओ, तो आप 6 बताओगे। लेकिन अगर इसी नंबर में आपको 6 की प्लेस वैल्यू पूछेंगे तो प्लेस तो 6 का प्लेस देखोगे, 100 है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। उसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 600। और फेस वैल्यू क्या आती है, 6 ही रहेगी। तो मैंने आपको प्लेस वैल्यू के लिए एग्जांपल बताया था कि आपकी प्लेस चेंज हो रही है, आप मॉर्निंग में इस घर में, दिन में स्कूल में, शाम को क्या हो रहे हैं, दोबारा से घर जा रहे हैं, तो आपकी प्लेस चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन। ठीक है, लेकिन फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू देखो, आप घर में हो, आपका फेस वही है, आप स्कूल जा रहे हो, आपका फेस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, आपका फेस वही रह रहा है। आप फिर वापस घर जा रहे हो स्कूल से, फिर भी आपका फेस वही है। तो यहाँ पर पोजीशन कोई वैल्यू नहीं रख रहा फेस वैल्यू में, जैसी है जो डिजिट है उसकी फेस वैल्यू वही रहेगी। जैसे आपका फेस चेंज नहीं हो रहा है, आपकी प्लेस चेंज हो रही है लेकिन फेस चेंज नहीं हो रहा है। तो इससे एक डेफिनेशन आती है फेस वैल्यू की, देयरफॉर फेस वैल्यू इज अ एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ डिजिट। एक्चुअल मतलब जो है उसकी रियल वैल्यू है, जो डिजिट अपनी जगह है उसकी फेस वैल्यू वही रहती है। इसलिए क्या हो गई, फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की उस नंबर में उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उसकी रियल वैल्यू।